पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यहाँ पे 11 लाख से 12 लाख का था, अभी 5 से 7 लाख तक हुआ है कॉस्ट। अलग अलग फ्लोर के अलग अलग वैल्यू है, आपको लिस्टिंग भी दे देंगे, आप डिटेल में आप दे देंगे। वैसे मजोला में भी पहले कॉस्टिंग था 6 से 7.5 लाख का था, अभी 4 से 5 लाख तक हुआ है। और ढक्का में 14 लाख था मिनिमम और मैक्सिमम भी 15 लाख था, लेकिन वो आया है 7 से 8 लाख। तो बहुत सारे कितना 15 था पहले 14 से 15। देखिए कॉस्ट वेरी करता है ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के आधार पर, तो मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ बस। तो मिनिमम था 14 लाख, मैक्सिमम था 15 लाख, लेकिन अभी वो घट के हो रहा है मिनिमम 7 लाख और मैक्सिमम 8 लाख। तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मकान हमारे हैं जो हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये हमने कॉस्ट को रीइवैल्यूएट किया, कहाँ का कॉस्टिंग हुआ, किस आधार से पड़ा और ये कैसे इसको कम किया जा सकता है। ये हमारा पहला स्टेप है ताकि अधिक से अधिक लोग को EWS मकान मिल जाए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे पूरी बोर्ड सहमत भी थी और बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स इससे प्रसन्न भी थे कि कॉस्टिंग पहली बार कम किया गया किसी मकान का। इसी रूप में एक और चीज़ था, प्रधानमंत्री आवास पे भी आज डिस्कशन बहुत हुआ। इस पर सीवरेज और वाटर कनेक्शन पहले लिया जाता था मतलब इसके अनुसार आदेशों अनुसार, लेकिन इस बार हमने बोर्ड से अनुमति लिया है कि वो भी चार्जेस हम प्रधानमंत्री आवास के जो लाभार्थी हैं उनसे हम नहीं लेंगे, वह हम खुद मतलब खुद हम उसको व्यय करेंगे। जैसे कि लगभग 3.5 करोड़ का उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है जो प्राधिकरण खुद इनकर करेगा उसको। और उसी क्रम में जो लगातार जब से इनॉग्रेशन हुआ है तब से प्रॉब्लम्स आती रही, जैसे हमने लोनिंग का व्यवस्था भी की जिससे लगभग 30 से 40 लोगों को लोनिंग भी हुआ, उनका फाइनल पेमेंट भी हो गया। अभी हम एक और चीज़ ऑप्शन का खोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या भी सॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए हमने ये किया है कि जिसने अभी तक प्रधानमंत्री आवास में नियमित रूप से 50% पेमेंट उसने कर दिया हो उसको हम कब्जा दे देंगे, लेकिन उसकी रजिस्ट्री 100% होने के बाद ही देंगे। इस क्रम में एटलीस्ट वो इंसान जो लाभार्थी है एटलीस्ट उस घर में रहने लग जाएगा, तो उसका दो दो जगह पे उसका व्यय नहीं होगा। इसको बोर्ड पे अनुमति दे दिया है। अब 50% क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं और लगभग 5 साल का टाइम पीरियड रहता है टोटल पेमेंट के लिए, और टाइम स्पैन हो चुका है 2.5 साल हो चुका है उसको शुरुआत होके, तो इसलिए हमने 50% रखा है। तो 30 इंस्टॉलमेंट उसने दिया है, रेगुलरली दिया है, और 30 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट उसने सही रेगुलरली किया है, तो उसको हम कब्जा दे देंगे। अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, मुझे पता है कल से बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। इसके लिए हमने एक SOP भी बनाया है कि अलग अलग क्षेत्र जहाँ जहाँ जो हमारे ऑलरेडी तैयार है देने के लिए वहाँ उन जगहों पे हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी और इसके कनेक्शन के लिए हमने UPPCL को पश्चिम वाला विद्युत वाला जो सॉरी हाँ उसको हमने पत्र भी दे दिया, वो कनेक्शन हो जाएगा उसके पेमेंट के बाद, तो विद इन अ वीक या 10 डेज में हम उनको देना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके अतिरिक्त जो मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं उसमें विकास शुल्क भी लिया जाता है, वो हर साल रिव्यू होता है, लेकिन इस पर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, बहुत कम इसमें चेंजेस हुआ है। पहले था 24 रुपये वर्ग मीटर, अलग अलग है भवन के लिए, लेआउट्स के लिए शुद्धिकरण शुल्क अलग अलग होता है, तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, 2 रुपये से लेके 6 रुपये 7 रुपये मैक्सिमम है जिसमें बढ़ोतरी हुआ है। इसकी डिटेल दिलवा दीजिएगा हम लोगों को। 5% 5.5% ही है इसका डिटेल भी आपको दे दूँगा, ये बढ़ोतरी हुई है। उसके अतिरिक्त हमारा बजट भी आज अप्रूव हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि अभी पहले जो आचार संहिता लगा था तो बजट अप्रूव नहीं हो पाया था, सिर्फ वो 3 महीने के लिए अप्रूव किया गया था, लेकिन अब इस पूरे साल के लिए वो बजट अप्रूव हो चुका है। इसमें बहुत सारे हमारे कमिश्नर सर के, अध्यक्ष सर के और बोर्ड मेंबर्स के भी राय था कि जो भी विकास शुल्क लिया जाता है नक्शे पास के टाइम पे, डेवलपमेंट फीस लिया जाता है, उसको उसी अनुरूप उसी क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाए और उसको अधिक से अधिक रखा जाए, वो पहला पॉइंट था। उसके साथ साथ शेल्टर फीस जो हम कलेक्ट करते हैं जब भी लेआउट पास होता है, बड़ा प्लान पास होता है, शेल्टर फीस हम लिया जाता है, उस फीस के साथ भी जो भी हमारा EWS मकान में इम्प्रूवमेंट होता है या मेंटेनेंस होता है उसके लिए यूटिलाइज किया जाए। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि भवनों का इनफैक्ट कॉस्ट कम हुआ EWS मकान का, पहले
पूरे हमारे पास जो अवेलेबल EWS मकान है 650 सर मकान है, जिस पर अगर हम बेचते हैं इसको उस रेट पे जिस रोड पहले से डिसाइडेड था, हमें रेवेन्यू मिलने वाला था 62 करोड़ का, लेकिन अभी ये रेट कैलकुलेशन चेंज होने के बाद हमें मतलब उसका कॉस्ट कम होने के बाद हमारा जो रेवेन्यू मिलेगा वो सिर्फ 38 सीआर का होगा। मगर इसका मतलब है लगभग 24 करोड़ का आय मतलब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राधिकरण अपने स्तर से ही वहन करेगा। कैसे वहन करेगा? शेल्टर फीस के माध्यम से उसको समायोजित करेगा जो निरंतर नक्शे पास होने के उपरांत आता रहता है। तो ये शासनादेश के और शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप में ही इसको किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग जिनको आवास नहीं मिला है इस माध्यम से इनको आवास भी मिल सके। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।